ऑल राइट सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने काफ़ी ख़ास प्रोडक्ट अपने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर करा था बिकॉज़ काफ़ी बड़े ऑफर चल रहा था एंड आप भी ऑर्डर कर सकते हैं तो इसको जल्दी से खोलते हैं एंड देखते हैं कि किस तरीके का ये प्रोडक्ट है एंड क्या है आप मेरे को अभी बताना वीडियो आगे करके मत देखना ऐसे ही बताना कि क्या हो सकता है ठीक है नहीं तो इसको हम ओपन करते हैं यहाँ से एंड जो भी यूट्यूबर्स हैं ना उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है भाई मेरे ख्याल से फ़र्स्ट प्रोडक्ट आ जाता है आप चाहे नो मैटर आपके पास कैमरा है या नहीं है बट ये प्रोडक्ट होना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फ़र्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट हमें यहाँ पर इनवॉइस है इसको हम साइड में रख लेते हैं एंड जो प्रोडक्ट है वो है बोया एम वन माइक ये मैं काफ़ी टाइम से परचेस करने की सोच रहा था बट मैंने यहाँ पर एक दूसरा माइक परचेस कर लिया था जिसका ये जो है रोड का माइक है आई डोंट नो इसका मॉडल नंबर क्या है एग्जेक्टली अभी मेरे को याद नहीं है बट यहाँ पर आप देखोगे कि ये कम्पेटेबल काफ़ी सारी चीज़ों के साथ में है अगर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ स्मार्टफोन टैबलेट एंड कंप्यूटर डी एस एल आर और ये क्या है कोप्रो है क्या जो भी है शायद कैम रिकॉर्डर है तो इन सभी के सपोर्ट करता है ये बोया का एम वन माइक है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है होपफुली आपने पहले भी इसको देख ही रखा होगा एंड मैं यहाँ पर इसका कंपैरिजन करके भी दिखाऊंगा इसके स्टॉक माइक से जो हमारे डी में मिलता है एंड जो मैंने यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर रोड का माइक उससे एंड यहाँ पर जो ये वाला है बोया एम माइक उससे ओके okay. तो यहाँ पर एक पाउच मिलता है इसके अंदर सारा माइक का सिस्टम डाला हुआ है तो इसे हम बाद में देखेंगे बॉक्स में क्या है वो देख लेते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें बॉक्स में मिल जाती हैं खाली हो गया है बॉक्स सबसे पहला यहाँ पर चाइनीज़ लैंग्वेज में ओके okay, ये भी चाइना का माल है खेर कोई नहीं हमारा क्या मतलब काम करने से मतलब है सो so, यहाँ पर यह हो गया एक यहाँ पर बोया लिखा हुआ एक क्या है ये टैग मिला है तो इसको भी हम रख देते साइड में एंड यहाँ पर इसकी एक बुकलेट मिली है जहाँ पर कि इसका बेसिकली यूज़र मैनुअल होगा होपफुली हर लैंग्वेज में तो यह है इसको हम रखते थे साइड में एंड पाउच है ये। इस पाउच को ओपन करके देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है काफ़ी लंबी इसकी वायर होती है एंड ते वी को ये सब है पाउच में ठीक है इसको हम रखते साइड में एंड ये आई थिंक इसकी बैटरीज है जो इसके अंदर हमें uh, डालनी होगी एंड ये एक पाउच एक्स्ट्रा तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट है यहाँ पर 3.5 पॉइंट मिली हेडफोन जेक देखने को मिल जाता है जस्ट बिकॉज़ ये हमारा जो स्मार्टफोन है उसको भी सपोर्ट करता है तो ये हो गया ये इसका कंट्रोलर हो गया कैमरा या फिर ऑफ स्मार्टफोन तो हम यहाँ पर कैमरा पे यूज़ करेंगे फिलहाल तो इसे एंड ये इसका माइक है बेसिकली तो इसको हम पाउच को ओपन करते हैं जल्दी से मैं इसे सेट कर लेता हूँ एंड उसके बाद में हम फिर मिलते हैं और राइट तो यहाँ पर यह इसका कैमरा का डिफॉल्ट माइक है ये जो कैमरा है मैं आपको बता दूँ कैन एन ट्वेंटी एट डी मार्क टू है एंड मैं ये वाला माइक यूज़ करता हूँ जो कि मतलब कैमरा के साथ में अटैच हो जाता है और जब कैमरा कभी ऊपर ऊंची हाइट या नीचे हाइट होती है तो कभी कभी मतलब आवाज़ ज़्यादा या कम आती रहती है क्योंकि मैं अपनी गर्दन कभी नीचे करता हूँ तो कभी कैमरे की वो माइक की वजह से ऊपर करके बोलना पड़ता है तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल होता था इसके साथ में मैं यहाँ आप पर आपको इसकी आवाज़ सुना देता हूँ कि किस तरीके की कि हमें इसकी आवाज़ देखने को मिलती है ओला राइट right, तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ इस वक्त रोड का माइक एंड मेरे को एग्जैक्टली exactly इसका मॉडल नंबर नहीं पता बट यहाँ पर मैं चेक करके आपको बता दूँगा कि इसका क्या मॉडल नंबर है तो होपफुली आपको पता चल गया कि इसकी किस तरीके की क्वालिटी है ओके okay, सो so यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ बोया का एम माइक एंड ये मतलब इसको नॉर्मली मतलब हो सकता है कि बस इंची दस इंची दूरी पर हो करके ऐसी वॉइस दे रहा है एंड अगर मैं इसको करीब लेकर के जाता हूँ थोड़ा सा थोड़ा सा अब मेरे बिल्कुल मुंह के करीब है तो इस तरीके की आपको वॉइस क्वालिटी देगा अभी तक मुझे भी नहीं पता मैं भी वीडियो को बाद में देखूँगा और जानूँगा कि भाई किस तरीके की क्वालिटी दी है अगर मैं इसको अपने कपड़े के साथ में अटैच कर देता हूँ लाइक मैं यहाँ पर अब मैंने इसको कपड़े के साथ में अटैच कर दिया है अब नॉर्मली वीडियो रिकॉर्डिंग करूँगा तो इस तरीके की साउंड क्वालिटी आपको हमेशा देखने को मिलेगी क्योंकि मैं अब इसको तो बहुत ही रेयरली यूज़ करने वाला हूँ बिकॉज ये व्लॉगिंग के लिए स्पेशली कैमरा कैमरा का माइक होता है एंड मैंने बस ले लिया था उस टाइम पर सातों को समझ नहीं आया था अब नाओ मैंने बोया एम वन माइक लिया है तो इस तरीके की क्वालिटी देखने को मिल जाएगी आपको साउंड क्वालिटी बाकी मैं देखूँगा इसमें कुछ और इंप्रूवमेंट अगर कर सकते हैं हम बेटर क्वालिटी निकाल सकते हैं एंड ये तो आज की इस वीडियो में होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई वीडियो चलते लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दो मिलता हूँ आपसे किसी से अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो साइन